हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल साइकोटेक मैं हूं सुबोध और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं काउंसलिंग साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में काउंसलिंग साइकोलॉजी इग्नू एम एन साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है और इसका कोड है एम पी सी जीरो टू वन दोस्तों ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बेस्ड हैं प्रीवियस एट टर्म एंड एग्जामिनेशन पे इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एट टर्म एंड एग्जामिनेशन के पेपर्स को एनालाइज किया है उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड किए हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कोश्चन्स के अलावा हम टॉपिक्स को भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से कोश्चन्स आते हैं तो दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें काउंसलिंग साइकोलॉजी में तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स साइको अनालिटिक अप्रोच टू काउंसलिंग सॉल्यूशन फोकसड थेरेपी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू काउंसलिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग डिप्रेशन आर्ट थेरेपी ड्रामा थेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वेलरेबल चाइल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा एच आई वी एड्स सिस्टमेटिक डिस ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस दोस्तों ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चल पाए कि कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं और कितने मार्क्स में होते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इम्पॉटेंट क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए जो कि टेन मार्क्स क्वेश्चन होते हैं दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर जून टू थाउजेंड सिक्सटीन तक के पेपर्स को एनालाइज करके क्वेश्चन को मैंने इसमें लिखा है और वो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आप देख सकते हैं दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सैको एनाल्टिक अप्रोच सेकेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आगे अभी बताऊंगा कि कौन कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पूछे जाते हैं या जनरली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी पूछा जा सकता है देन सॉल्यूशन फोकस थेरेपी एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग दोस्तों ये टेक्स्ट आपको जो रेड में दिख रहा होगा इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक से या इस टाइप के पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर को जून 2019 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर सेकंड डिप्रेशन थर्ड आर्ट थेरेपी एंड फोर्थ राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन दिसंबर 2018 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच सेकेंड क्वेश्चन है आर्ट थेरेपी देन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड फोर्थ एनरेक्सिया देन जून टू इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं काउंसलिंग को डिफाइन करना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताने हैं और इसके साथ ही काउंसलिंग प्रोसेस को बताना है सेकेंड क्वेश्चन बिहेवियरल अप्रोच इन काउंसलिंग थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन फोकसड थेरेपी एंड फोर्थ क्वेश्चन वलरेबल चाइल्ड इसी तरीके से अगर हम दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखें उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन फोकसड ब्रीप थेरेपी सेकेंड क्वेश्चन वलरेबल चाइल्ड थर्ड क्वेश्चन ड्रामा थेरेपी एंड फोर्थ क्वेश्चन डिप्रेशन इसमें आप एनालाइज़ कर पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार यानी कि जो दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था वो बाद में भी कई पेपर्स में आया है इससे पहले जून 2017 का पेपर था उसमें पहला ही क्वेश्चन है रियलिटी थेरेपी सेकेंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन एंड एंगजाइटी थर्ड क्वेश्चन ईटिंग डिसऑर्डर एंड फोर्थ क्वेश्चन साइको एनाटिक थेरेपी दिसंबर 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन साइको थेरेपी सेकेंड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थर्ड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग फोर्थ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और लास्ट पेपर जो है जून 2016 उसमें पहला क्वेश्चन ड्रामा थेरेपी सेकेंड डिप्रेशन एंड थर्ड एडलेरियन अप्रोच टू काउंसलिंग एंड फोर्थ क्वेश्चन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन इसमें आप देखिए तीन क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं ड्रामा थेरेपी डिप्रेशन और राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि जून 2016 के एग्जाम के बाद भी ये बाद में कई एग्जाम्स में आए हैं तो दोस्तों अब टेन मार्क्स यानी कि सेक्शन ए के बाद देखते हैं सेक्शन बी जो कि होता है सिक्स मार्क्स ईच क्वेश्चन इसमें दिसंबर 2019 में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्ट ऑल अप्रोच टू काउंसलिंग सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल सेटिंग एंड क्लाइंट क्वालिटीज़ इन काउंसलिंग सिचुएशन थर्ड पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इससे पहले हमने देखा सिंपली पर्सनालिटी डिसऑर्डर आया हुआ है और क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें है पेरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर फोर्थ क्वेश्चन डिप्रेशन फिफ्थ क्वेश्चन वनरेबल चाइल्ड डिप्रेशन और वनरेबल चाइल्ड कई बार पहले भी रिपीट हो चुके हैं जून नाइनटीन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर्सन सेंटर्ड अप्रोच सेकेंड क्वेश्चन टर्मिनेशन ऑफ अ काउंसिल रिलेशनशिप थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग फोर्थ क्वेश्चन ड्रामा थेरेपी एंड फिफ्थ क्वेश्चन सिस्टमेटिक डिसन दिसंबर 18 में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 18 के बाद भी आया हुआ है टर्मिनेटिंग अ काउंसलिंग रिलेशनशिप सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल सेटिंग एंड क्लाइंट क्वालिटीज थर्ड क्वेश्चन सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन फोर्थ क्वेश्चन सोल्यूशन फोकस टेक्निक्स और फिफ्थ क्वेश्चन सबस्टांस अब एंड एडिक्टिव बिहेवियर तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि जो दिसंबर 18 में आया है वो उसके बाद वाले एग्जाम में भी यानी कि जून नाइनटीन में भी आया हुआ है इससे पहले जून 2018 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग वन इज वैल्यू सिस्टम इन काउंसलिंग सेकेंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड थर्ड रोल ऑफ काउंसलर एंड काउंसलिंग गोल्स इन रियलिटी थेरेपी यानी कि रियलिटी थेरेपी का क्वेश्चन इससे पहले आपने देखा था टेन मार्क्स में था यहाँ सिक्स मार्क्स में फोर्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग एट द एलिमेंट्री स्टेज एंड फिफ्थ क्वेश्चन पर्सनलिटी डिसऑर्डर का जिसमें पैरानोइ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच बाय एडलर सेकंड है डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी दोस्तों कई क्वेश्चन जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में हैं ये आपको इंटरवेंशन इन काउंसलिंग जो सब्जेक्ट है आपका एम पी सी उसमें भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग फोर्थ क्वेश्चन थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन एंड फिफ्थ क्वेश्चन एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग ये पहले हमने टेंथ मार्क्स में देखा था और यहाँ पे सिक्स मार्क्स में जून 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग सेकेंड क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशन ट्रीटमेंट इससे पहले भी एक क्वेश्चन आए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन कोअर्गिनेटिव बिहेवियर थेरेपी फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन एंड फिफ्थ क्वेश्चन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है जो अवॉइडेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिसंबर 16 में फर्स्ट क्वेश्चन है सीबीटी का सेकंड क्वेश्चन है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म थर्ड क्वेश्चन एच आई एड्स पे है फोर्थ क्वेश्चन चैनल राइट्स पे है एंड फिफ्थ क्वेश्चन डिप्रेशन का है और लास्ट पेपर जो है वो जून 2016 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन साइकोथेरेपी का है सेकेंड क्वेश्चन इफेक्टिव काउंसलिंग थर्ड क्वेश्चन वोकेशनल काउंसलिंग फोर्थ क्वेश्चन अवॉइड इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये रिपीट हो रहा है अवॉइड इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इससे पहले भी था फिफ्थ क्वेश्चन एंड्रोक्सिया नर्वोसा ये भी कई बार रिपीट हो चुका है अब दोस्तों सेक्शन ए और बी के बाद देखते हैं सेक्शन सी थ्री मार्क्स क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन अब दिसंबर 2019 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं एथिकल प्रिंसिपल सेकंड ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस थर्ड एवर्सिव कंडीशनिंग जून 19 काउंटर ट्रांसपेरेंस एंड रोक्सिया नर्वोसा एंड एम्पैथी दिसंबर एटीन एवर्सिव थेरेपी ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस थर्ड एच एड्स काउंसलिंग जून एटीन काउंसलिंग रिलेशनशिप एंड ए बी सी मॉडल ऑफ सीबीटी थर्ड क्वेश्चन हेल्पलेसनेस थ्योरी इन डिप्रेशन दिसंबर सेवनटीन में देखिए आप गोल्स ऑफ काउंसलिंग सेकेंड ऑटोनॉमी एंड बेनिफिशेंस थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइंट क्वालिटीज़ इन काउंसलिंग जून सेवनटीन में मेरेकल क्वेश्चन एंड स्केलिंग क्वेश्चन राइट टू डेवलपमेंट एंड एच आई वी दिसंबर सिक्सटीन में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ साइकोलॉजी सेकेंड क्वेश्चन सोलर थर्ड क्वेश्चन टेक्निक्स यूज इन एग्जिस्टेंशियल अप्रोच टू काउंसलिंग और लास्ट जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जून सिक्सटीन उसमें पहला क्वेश्चन फ्री एसोसिएशन सेकेंड कंफ्रंटेशन एज अ काउंसलिंग स्किल थर्ड टेस्ट यूज फॉर एच आई वी एड्स डायग्नोसिस तो दोस्तों जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे स्टार्टिंग में एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें आपने देखा क्लस्टर बी पर्सनालिटी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइको अनिलटिकल अप्रोच टू काउंसलिंग सॉल्यूशन फोकस थेरेपी पर्सन सेंटर अप्रोच टू काउंसलिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग डिप्रेशन आर्ट थेरेपी ड्रामा थेरेपी सी बी राइट ऑफ चिल्ड्रेन एंड वेबल चाइल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट एंडरोक्सिया नर्वोसा एंड एच आई एड्स सिस्टमेटिक डिसेंटिजेशन ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से तो दोस्तों अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने बताया आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में काउंसलिंग साइकोलॉजी में तीन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक पहला ही सब्जेक्ट था दो और सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप उन वीडियोस के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय